वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हमारे साथ हमारे दोस्त बड़े भाई है पंकज बोरेकर सर, उनका खुद का एक चैनल है बच्चों, सर का पंकज साइंस वर्ड बोल के एक चैनल है। सर सर भी खुद साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो सर पढ़ाते हैं, सर का भी बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग जाके विजिट भी कर सकते हो। सर आज हमारे साथ इसलिए जुड़े बच्चों की सर ने एक लिस्ट लाई है हमारे साथ, वो है लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज ऑफर बाय फॉलोइंग सर्च क्राइटेरिया। मतलब जो भी फार्मेसी के जितने भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, वो सभी कॉलेज के इंस्टीट्यूट आज होगे नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करने वाले हैं कितने मैक्सिमम कॉलेज कवर कर सकते हैं। हम दोनों मिला के आज आपके सामने इस कॉलेज की लिस्ट बताने वाले हैं, सभी चीज़ हम लोग देने वाले हैं। आप लोगों को पहले सबसे पहले शेयर करना है, न्यू है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो बच्चों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिस्ट ये सभी कॉलेज की है, तो सबसे पहले सर स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम से। हाँ, तो प्रोग्राम जो है ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है जिसे आप सब जानते हैं, और जो इंस्टीट्यूट है टोटल इंस्टीट्यूट जिनकी इंफॉर्मेशन आपको हम देने जा रहे हैं वो है 317। टोटल इंटेक कैपेसिटी बच्चों सभी कॉलेजेस की जो 317 कॉलेजेस दी वाली है 25,120। हाँ, अब सबसे पहला कॉलेज जो है आपके सामने जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती, जिसका कोड नंबर है 1003। तो उसके बाद में बच्चों चॉइस कोड इसका 1115823100। फार्मेसी है, बी फार्मेसी, आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा। और सबको तो कोर्स ऑफ टाइप तो पता है कि मॉर्निंग शिफ्ट होती है मैक्सिमम, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताने वाला नहीं हूं मैं। ये कॉलेज बच्चों यहाँ पे स्टार्ट है 1996, मतलब बहुत पुराना, नियर अबाउटली 24-25 साल का ये कॉलेज है। इनटेक कैपेसिटी 60 है। अब नेक्स्ट जो कॉलेज है यवतमाल का है, जिसका कोड नंबर आपके सामने है 1115, JSP मंडल सुधाकर राव नाईक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पुसद डिस्ट्रिक्ट यवतमाल। तो इसमें बच्चों चॉइस कोड है 1115823100। बी फार्मेसी का कॉलेज है ये, और यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट होती है और कोई एजुकेशन मतलब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों भी एडमिशन ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ा पुराना कॉलेज है, क्योंकि बच्चों ये जो कॉलेज के संस्थापक थे ये हमारे CM रह चुके हैं। yes, करेक्ट है सर। हाँ। तो इसलिए बच्चों ये कॉलेज बहुत पुराना और बहुत फेमस कॉलेज था 1983, मतलब मेरा खुद का भी जन्म नहीं था 84 का हूँ मैं, तो मतलब सोच लो बच्चों कितना पुराना कॉलेज है और इनकी टेक कैपेसिटी इसकी 60। और सबसे मेन बच्चों ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज वाला ये कॉलेज है, आप लोग इस कॉलेज को चॉइस कर सकते हो। और उसके बाद भी ये भी अच्छा कॉलेज है अमरावती का, जिसका कोड नंबर है 1131, विद्या भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। यस सर, आई थिंक आपने विजिट किया। हाँ, मैंने विजिट किया था। कॉलेज का कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा कैंपस है, और अमरावती सिटी जो है महाराष्ट्र में अच्छी सिटी मानी जाती है। क्योंकि सर ने खुद ने विजिट किया है इसलिए सर को पूरा पता है इस कॉलेज के बारे में, इसलिए इतना बता रहे। इसका चॉइस कोड है 1131823100। फार्मेसी, बी फार्मेसी है, कोई एजुकेशन इसमें दोनों भी, मेल और फीमेल दोनों भी एडमिशन ले सकते हो। स्टार्ट ईयर बच्चों 1993, इंटेक कैपेसिटी 60 है इसकी। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो चिखली का है, 1133 अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी चिखली। और शायद सर आपने भी इसको विजिट किए, क्योंकि सर हमेशा चिखली से आते हैं और सर के दोस्त भी बहुत है वहाँ के, तो इसलिए हमेशा जाते हैं सर। सर ने देखा कि इस कॉलेज में आपको राहुल बोंद्रे, मतलब ये MLA थे, आई थिंक 10 साल उनका कॉलेज है, और बेस्ट फेमस और आउट ऑफ स्टेट से भी यहाँ पे स्टूडेंट आते रहते बच्चों। तो इसका चॉइस कोड है 1133823100। फार्मेसी कॉलेज है, कोर्स है मॉर्निंग शिफ्ट का है बच्चों, कोई एजुकेशन यहाँ पे, और 1995 में ये कॉलेज ओपन हो चुका था। इनटेक कैपेसिटी बच्चों 100 है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, कौन सा कॉलेज सिलेक्शन आपको करना है आप कॉलेज का, तो आपको कॉलेज पता होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2, कौन से कॉलेज में आपका नंबर लग सकता है, कितने सीट्स अवेलेबल, नहीं तो क्या है, सीट है 30 और बच्चे के फॉर्म आ रहे मतलब 10,000-15,000, तो किसका नंबर लगेगा, तो उसकी रैंक बढ़ जाती है उस कॉलेज की। इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये कॉलेज मेरे नजदीक है, अच्छा कॉलेज है। कैसे, अब सर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बुआ जी का लड़का इसी कॉलेज में से हुआ, वो PhD भी हो चुका है और अच्छे जॉब में ही। हाँ। इसी कॉलेज में से, तो ये कॉलेज अच्छा है, मैंने भी इसके बारे में बहुत सारा सुना है। और उसके बाद जो है 1134 इस कोड नंबर के साथ यवतमाल जिला विकास समिति
परल धमाल वधवानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी यवतमाल। तो इसका चॉइस कोड है बच्चों 1134823101 फार्मेसी कॉलेज है ये। आपको यहाँ पे को एजुकेशन मिलेगा, वार्निंग शिफ्ट सभी में होती है। ये भी पुराना कॉलेज है, नियर अबाउट 23 ईयर्स का, 1997 में, और इंटेक कैपेसिटी 100 है। और उसके बाद जो है 1135 श्री गुरुदत्ता शिक्षण प्रसारक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कौलखेड़ अकोला का कॉलेज है, ये भी कॉलेज अच्छा है। और शायद बच्चों आपको बताने में खुशी हो रही कि सर भी उधर की हुई साइड के, इसलिए सर को सब कुछ इसके बारे में थोड़ा पता है, मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सर को। तो इसका जो चॉइस कोड है बच्चों 1135823101 फार्मेसी कॉलेज है, को एजुकेशन है बच्चों, और इसकी इंटेक कैपेसिटी जो है वो है 60, और ये स्टार्ट हुआ था 1998 में। इसके बाद 1136 इस कोड नंबर के साथ कॉलेज जो है डॉक्टर राजेंद्र गोड़े कॉलेज ऑफ फार्मेसी मलकापुर का एक कॉलेज है। अच्छा, आपको पता होगा सर क्योंकि हाँ, आप उधर के हैं, तो कैसा है कॉलेज के बारे में क्या? कॉलेज अच्छा है, इसकी इंटेक कैपेसिटी 100 है। यस यस, और इसका चॉइस कोड है 1138682310 फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग सिंह को एजुकेशन है, 2005 में कॉलेज था, 100। देखो बच्चों, आप लोगों को नहीं कि इंटेक कैपेसिटी पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है आप लोग और कैटेगरी वाइज भी आपको एनालिसिस करते आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद जो है कॉलेज 1158 इस कोड नंबर के साथ परमहंस रामकृष्ण मौनी बाबा शिक्षण संस्था अनुराधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी चिखली, ये चिखली का दूसरा कॉलेज है और जिसकी इंटेक कैपेसिटी ज़्यादा है, 100 है, तो ये आपको ये फायदा हो सकता है। हाँ, नया कॉलेज है। कुछ बच्चे पूछ रहे सर प्लीज संगाना, क्या क्या बोलना है कोमल? देखो अब ये जो है ना कल रैंक मिलेगा, रैंक मिलने के बाद हम लोगों को सब कुछ पिक्चर क्लियर होने वाला है, और आज हमारे साथ डॉक्टर उल्ला शूर का सर ज्वाइन होने वाले हैं, तो सभी बच्चे उस सेक्शन को ज्वाइन करें क्योंकि उसमें बहुत सारे आप लोगों को गाइडेंस मिलने लगेगा। अभी फिलहाल में हम लोग फार्मेसी के बारे में बता रहे हैं, तो कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं है ये फिलहाल में बताना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि बच्चों हर साल कॉलेज की रैंक कम ज़्यादा होती है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि बच्चों आपको एक बताने में खुशी हो रही कि इस साल 1.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिए, 1,55,000 स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, इसका फायदा कहीं ना कहीं इन बच्चों को होने वाला है। 100% क्योंकि बच्चों 29 मतलब नियर अबाउटली 30% स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिए, 70% ओनली मतलब 71% नियर अबाउटली परसेंट ने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, तो इसका कहीं ना कहीं आपको अच्छा कॉलेज मिलने में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। उसके बाद में 1160 इस कोड नंबर के साथ श्री दुर्गा माता बहुउद्देशीय के क्रीड़ा एंड शैक्षणिक संस्था ईश्वर देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी दिग्रस का एक कॉलेज है। अच्छा, ये दिग्रस का कॉलेज भी अच्छा है सर, आई थिंक। हाँ, आप लोग चॉइस कोड देख सकते हैं 1160823101 फार्मेसी है, मॉर्निंग सेशन को एजुकेशन है, 2018 का नया कॉलेज है बच्चों ये। इसकी इंटेक कैपेसिटी आप लोगों को दिखाई दे रही 60 है। और उसके बाद 1164 इस कोड नंबर के साथ कॉलेज है श्री स्वामी समर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एट परसोडी धामनगांव रेलवे डिस्ट्रिक्ट अमरावती। अच्छा, आपने विजिट किया है क्या सर? नहीं सर, ये नया कॉलेज है, 2009 में खुला है। अच्छा, 19 में। हाँ, 19 में। सर कैसे विदर्भ के है सर? हाँ, और सर को इसकी जानकारी बहुत ही अच्छी है, सर खुद अकोला डिस्ट्रिक्ट का, अमरावती डिस्ट्रिक्ट सर का, अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। हाँ, बाउंड्री अकोला में एजुकेशन हुआ है मेरा, और अमरावती मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट है। तो सर को इसके बारे में, सर खुद MSc जूलॉजी में हुआ है सर का। यस, तो इसलिए सर भी खुद एक जूनियर को CBSE को पढ़ाते थे पहले, अभी भी स्टेट बोर्ड को पढ़ाते हैं सर। तो सर का भी जो नवोदय विद्यालय में थे, तो इसके पहले नवोदय विद्यालय में भी टीचिंग की है, सर का नियर अबाउटली 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, टीचिंग करने का। नियर अबाउटली मुझे लगता है यही इंस्टीट्यूट में अपने 10-12 साल हो, 12 साल मतलब सोच सकते हैं कि एक्सपीरियंस है सर का, इसलिए सर को मैंने इन्वाइट किया। और सर का जो चैनल है उस चैनल को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। सर जो है वो माध्यमिक को पढ़ाते हैं, लेकिन सर की जो टीचिंग है, सर के रिकॉर्ड रहा है कि 100 out of 100 मार्क लाते हैं सर के स्टूडेंट, वो बहुत खुशी की बात है 10th वाले स्टूडेंट। तो सर ने अभी कुछ 9 क्लास सेवन क्लास और 9 क्लास का साइंस है, 10 क्लास के भी लेक्चर क्लास है कुछ लेक्चर।
तो अभी सर वो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हम लोग हमेशा सर के कांटेक्ट में रहते हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि सर आप इंजीनियरिंग के ही हमेशा बोलते हो, कुछ फार्मेसी के बारे में बोलो। तो मैंने बोला सर फार्मेसी की मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं निकाली। सर ने बोला मैं करता हूँ सब कुछ, खाली आप लाइव सेशन अरेंज करो। तो मैंने लाइव सेशन अरेंज किया और सर ने पूरे ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट, और सर को मतलब बोलने की बहुत इच्छा थी कि बच्चों को कौन से कॉलेजेस है, क्या है, कौन से कॉलेज की कितनी कैपेसिटी है, इसलिए सर ने ये सेशन को ज्वाइन किया है और आपने को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं। और उसके बाद है 1270 इस कोड नंबर के साथ MUPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी बी फार्म देगांव तालुका रिसोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाशिम। ये जो कॉलेज है सर मैंने विजिट किए हैं। हाँ देगांव, मेरी मिसेस ही थी ये। तो इसीलिए याद है सर को। तो चॉइस कोड है बच्चों 1270-8-2-3-1-0, मतलब बी फार्मेसी नहीं हुआ उसका। हाँ। लेकिन उस कॉलेज के इंस्टीट्यूट जो है स्कूल है वहाँ पे टीचर थी। तो फार्मेसी का कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट है, को एजुकेशन 2012 का कॉलेज है, 60 की इंटेक कैपेसिटी है सर उसकी। और उसके बाद ए भी 2012 का नया कॉलेज है 1271 इस कोड नंबर के साथ राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुल्ढाणा। बच्चों और एक मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जैसे कि कुछ बच्चे करेंगे सर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। बच्चों आपको परसेंटाइल के हिसाब से आपको गवर्नमेंट की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो है फार्मेसी की, मैंने उसकी लिस्ट बना के रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिजिक्स ज्ञान है ना, फार्मेसी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज डालो, आपको वो मिल जाएगी लिस्ट। ठीक है, इसमें भी हम लोग कवर कर रहे हैं। हाँ, इसमें सभी सभी कॉलेज थ्रू आउट महाराष्ट्र कितने कॉलेज हैं। लोगों को क्या होता है कभी कभी नजदीकी बहुत अच्छा कॉलेज होता है लेकिन पता ही नहीं होता है बच्चों को। हाँ। इसलिए हम लोग ये पूरी दे रहे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में सर ने बुल्ढाणा का कॉलेज बोला है कि इस कॉलेज में बच्चों चॉइस कोड इसका 1271-8-2-3-1-0, फार्मेसी बी फार्मेसी मॉर्निंग शिफ्ट है, को एजुकेशन है और ये न्यू कॉलेज है, मतलब बहुत पुराना नहीं, 8 साल पुराना है, इनटेक कैपेसिटी 100 है। इसके बाद है 1280 इस कोड नंबर के साथ गावंडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी साकरखेड़ा। अच्छा, मतलब ये आई थिंक हाँ रूरल एरिया में है। नहीं नहीं, ये कॉलेज सर बुल्ढाणा में है, मुझे याद है। साकरखेड़ा मतलब ये जो कॉलेज है बच्चों आई थिंक मुझे लगता है मेहकर हिवराश्रम के नजदीक ही है, हिवराश्रम बोल के बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट में। मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ सर, इसलिए मुझे पता है। तो इसका चॉइस कोड है बच्चों यहाँ पे 1280-8-2-3-1-0, यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट है, को एजुकेशन है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों 2017 में स्टार्ट हुआ है कॉलेज, 100 की इंटेक कैपेसिटी है। देखो बच्चों अब मैं किसी कॉलेज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ सर, नहीं, सभी कॉलेजेस अच्छे होते हैं, आपको कितना गेन करना नॉलेज वो इम्पोर्टेंस होता है। और साथ में एक बताने में खुशी हो रही बच्चों आप लोगों को कि सबसे मेन चीज़ एक ध्यान रखना है, आप लोग ये 4 साल का 2 साल का कोई बी फार्मेसी कर रहे हो, 4 साल की कर रहे हो, तो इसमें आप लोग 2 साल 4 साल कितने गेन कर रहे हैं नॉलेज, कितनी आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल कैसे कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंस होता है, हाउ टू फेस द इंटरव्यू कंपनी के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसी आपकी, ये सभी चीज़ें मायने करती है। इसलिए आप लोगों को मतलब ये मत मानो कि मेरा नंबर यार इस कॉलेज में लगा है अब मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं बच्चों, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं सर, मेरे खुद के स्टूडेंट हैं कि जिन बच्चे को मतलब एकदम बहुत कम मार्क पे कॉलेज मिला है, मतलब एक रूरल एरिया का, लेकिन उसने 4 साल इतनी मेहनत की कि उस बच्चे ने अच्छे कॉलेज वाले बच्चे के साथ फाइटिंग खेला हुआ, अभी जॉब भी अच्छी जगह और अच्छी जगह पे जॉब भी मिला है। और उसके बाद 1281 इस कोड नंबर के साथ है कमल प्रकाश फार्मेसी कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर खेड़ा, ये लोनार के पास है। यस, तो ये ये अलग है सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लोनर है, मतलब ये नहीं क्या रायगढ़ उधर कुछ कॉलेज होगा, आई थिंक इसके बारे में मुझे पता नहीं ये ज्यादा। लेकिन ये जो कॉलेजेस है क्योंकि ये न्यू कॉलेजेस है, अभी कुछ न्यू कॉलेज को हमने विजिट नहीं की, इसलिए 2019 का है, यानी कि एक साल पुराने कॉलेज होते हैं उस कॉलेज में हम लोग विजिट करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो हम लोगों को कुछ इसके बारे में एक रफली आइडिया आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो कॉलेज है बच्चों इसका चॉइस कोड दिया आपको, इसकी इंटेक कैपेसिटी 60 है। उसके बाद है 1282 इस कोड नंबर के साथ लठाड़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी यलगांव बुल्ढाणा। अच्छा, ये मेरे ख्याल से रूरल एरिया में, रूरल एरिया में यलगांव बुल्ढाणा के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। दूर नहीं, ओके।
क्या है बच्चों, आजकल ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा, इसके कारण कुछ लगता नहीं बच्चों को। तो चॉइस कोड 12828231 फार्मेसी कॉलेज है, को एजुकेशन है बच्चों 2017, ये न्यू कॉलेजेस है, 60 की इंटेक कैपेसिटी है। और इसके बाद है 1283 पी आर पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती का, ये भी कॉलेज अच्छा है। ठीक है, ये कॉलेज सर के एरिया में, इसलिए सर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो 12838231 फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग से को एजुकेशन है बच्चों 2017 में कॉलेज, ये इसकी इंटेक जो कैपेसिटी है 100 है इसकी। उसके बाद 100 कैपेसिटी के साथ ये कॉलेज आपके सामने है, 1234 इस कोड नंबर के साथ, डॉक्टर राजेंद्र गोड़े इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी अमरावती का। तो इसकी जो चॉइस कोड है बच्चों 12848231 बच्चों, चॉइस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चॉइस कोड पता होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को चॉइस कोड पता नहीं होता है, कॉलेज का नाम पता है लेकिन चॉइस कोड डाल देते कोई भी चॉइस कोड, तो बहुत इसमें गड़बड़ होने के चांसेस। सर ने जो डेटा हम लोगों को दिया है ना बच्चों, बहुत खतरनाक दिया है, ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो सके इससे, और इससे बच्चों को अच्छे तरह से फायदा होना चाहिए, इस हिसाब से सर ने ये डेटा बनाया है। तो यहाँ पे आपको को एजुकेशन 2017 की इंटेक कैपेसिटी है। इन सब में आपको चॉइस कोड नंबर और जिस चॉइस कोड नंबर का कौन सा कॉलेज है आपको याद रखना है। इसके साथ कोड नंबर के साथ है 1286 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च बडनेरा, ये भी अमरावती के पास ही है, बडनेरा यानी कि अमरावती का ही एक हिस्सा है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कि कोई पुणे में आप आकुरडी गए, बस उसी तरह उस तरह से होते हैं, रावेत होता है ना, ऐसे जो इलाका होता है वैसे ये अमरावती का इलाका है। मतलब बच्चों को ये मत मानना कि नहीं ये न्यू कॉलेज है, नजदीक नहीं है, तो अमरावती एक अच्छी सिटी है और अच्छा एजुकेशन भी है बच्चों वहाँ पे। चॉइस कोड है इसका 12868231 फार्मेसी है, को एजुकेशन बच्चों 2018 का कॉलेज है ये, और यहाँ पे आपको 60 की इंटेक कैपेसिटी मिलेगी। इसके साथ है 1288 वर्धमान कॉलेज ऑफ फार्मेसी कारंजा लाड़ वाशिम, तो एक कारंजा एक तालुका है सर वहाँ पे, हाँ कारंजा वाल, ये कॉलेज जो है बच्चों न्यू कॉलेज है यहाँ पे 12888231 फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट है, को एजुकेशन है बच्चों, और स्टार्ट ईयर 2019 का है, मतलब न्यू कॉलेज है, 60 की इंटेक कैपेसिटी है। और इसके साथ है 12890 जगदम्बा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च कलम, तो ये जो कॉलेज है बच्चों यहाँ पे, इसमें आप लोगों को चॉइस कोड मिल रहा है 12908231 फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट है, को एजुकेशन है, इसकी इंटेक कैपेसिटी आपको 100 है, और 2019 का ये न्यू कॉलेज है, मतलब पास्ट ईयर का ही कॉलेज है ये। और उसके साथ 1291 श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुलढाणा, अच्छा मतलब ये शेगांव का कॉलेज है ना, शेगांव में बच्चों सभी को पता होगा गजानन महाराज जो है वो बहुत फेमस है, और वहाँ पे ये कॉलेज मैंने भी देखा है सर, बहुत ही अच्छा कॉलेज है एज पर माई व्यूज, और अच्छी फैसिलिटीज है, सब कुछ चीज़ें अच्छी वहाँ पे मिलेगी आप लोगों को। और यहाँ पे इसका चॉइस कोड है 12918231 फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग सेशन है बच्चों इसका, शिफ्ट है, और ये को एजुकेशन है 2019 ये स्टार्ट हो चुका है कॉलेज, 100 की इंटेक कैपेसिटी है। इसके साथ 1292 कोड नंबर के साथ डॉक्टर आर्यन लाहोटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर सुल्तानपुर, ये लोनार के पास है शायद। हाँ हाँ, सुल्तानपुर मतलब मेहकर तालुका आता है बच्चों, यहाँ पे आई थी तो ये जो कॉलेज है बच्चों ये लाहौटी, डॉक्टर लाहौटी बोल के लाहौटी बहुत फेमस है सर, वो जो पैरालिसिस के लिए हाँ, तो उन डॉक्टर साहब का एक कॉलेज है, और इस कॉलेज में बच्चों अच्छी फैसिलिटी, मैंने खुद ने कॉलेज देखा, रोड पे ही एकदम फ्रंट साइड में है बिल्कुल। तो इसका चॉइस कोड बच्चों 12928231 फार्मेसी कॉलेज है 2019 और 100 की इंटेक कैपेसिटी उसकी। उसके साथ 1293 श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वाशिम, वाशिम का ये कॉलेज है, वाशिम का कॉलेज है ये तो सर। हाँ एकदम नया कॉलेज है, 2020 का साल में कॉलेज आया है, 100 की कैपेसिटी, 100 की कैपेसिटी बच्चों इसकी 2020 का ही कॉलेज है। अब ये को एजुकेशन सभी तरफ, को एजुकेशन सभी जगह, सभी कॉलेज में, ये आपको बताने के लिए दिया है, बाकी दूसरा अभी अब नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। और इसके साथ है 1294 समर्थ कॉलेज ऑफ फार्मेसी देउलगांव राजा बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों, ये इस कॉलेज को मैंने विजिट की है, तो ये भी कॉलेज मतलब मीडियम है, मैं ऐसा बुरा तो नहीं बोल सकता किसी को, लेकिन अच्छा ही कॉलेज है। 12948231 इसका चॉइस कोड है बच्चों, और बाकी तो चीज़ें आपको न्यू कॉलेज है वो नहीं इतना बता सकते, और 100 की कैपेसिटी है। 1295 कर्मयोगी तात्या साहेब बोंद्रे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी चिखली, ये चिखली का दूसरा कॉलेज है ना। यस,
तो ये कॉलेज का चॉइस कोड है 12958231 यहाँ पे आप लोगों को 2019 और 100 के अंदर 2019 और 20 में बहुत सारे कॉलेजेस आए सर, तो जो पुराने कॉलेज है उसकी एक बार अच्छी तरह से, मैं तो क्या चाहता हूँ सर, जिन बच्चों का एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करना चाहिए उन बच्चे ने, ये हो गया ना अपना नहीं, तो इन बच्चे ने क्या करना चाहिए, उस कॉलेज को विजिट देना चाहिए, वहाँ पे कैंपस कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, लैब कैसी है, सभी की इन्फॉर्मेशन डिटेल में निकालना अभी चाहिए। हम इसमें क्या बता रहे हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज, ये नहीं बता रहे, सिर्फ कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकते हैं, किस जगह पे, उनकी कैपेसिटी कितनी है, पुराना कॉलेज है या नया कॉलेज है, तो इसमें हम ये नहीं बता रहे कि ये कॉलेज अच्छा है ये कॉलेज ये नहीं है, सभी कॉलेज बुरा किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन एक है कि हम लोग बताना चाहते हैं कि 317 कॉलेजेस पूरे बच्चों को 300, आपको पता है क्या सिलेक्शन, जब कोड डालना पड़ता है सिलेक्शन करना पड़ता है, 100 कॉलेज आप लोग सेलेक्ट करते हैं, 100 कम नहीं होते बच्चों, तो बच्चों को 100 कॉलेज पता ही नहीं है, तो कहाँ कहाँ, हाँ तो हम लोग आपको तो 317 कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करें पूरे महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेज के साथ, जैसे कि कोई बच्चा क्या चाहता है कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, वो चाहता है कि मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में रह के घर पे रह के मैं कॉलेज कर सकता हूँ क्या, क्योंकि इकोनॉमिकली सर सही बात है, क्योंकि हमारा जो महाराष्ट्र है इसमें खेती करने वाले बहुत सारे लोग हैं, फार्मर है और इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, तो ऐसे बच्चे पुणे मुंबई कुछ बच्चे नहीं जा सकते, तो ऐसे बच्चे के लिए अपने ही अड़ोस पड़ोस के में जहाँ से इजीली अप डाउन कर सकते हैं वहाँ पे कॉलेजेस है बच्चों, या वहाँ पे रूम भी करके रहते हैं तो घर से खाना लाना डब्बा लाना ये कुछ कर सकते हैं, और ये बच्चे इस कॉलेज को चॉइस करके अपनी जिंदगी को ब्राइट करने का मौका है, लेकिन ब्राइट करने के लिए बच्चों पता होना चाहिए कॉलेजेस कहाँ है, आपके पास भी कॉलेज रहते हैं घर के आजू बाजू लेकिन हमें पता नहीं चलता, उसके बाद है 1296 डॉक्टर राजेंद्र गोड़े कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती का कॉलेज है, तो इसका कोड है बच्चों, चॉइस कोड है 12968231 यहाँ पे बी फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग सेफ्टी को एजुकेशन 2020 नहीं कॉलेज है बच्चों, ये 60 का इंटेक कैपेसिटी यहाँ पे। इसके बाद 2009 यानी कि 2009 कोड नंबर के साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, पुराना कॉलेज है और ये अच्छा कॉलेज है क्योंकि अभी हम औरंगाबाद में रह रहे हैं इसलिए बता दो। आपको बताने में खुशी हो रही है कि उनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल उनको भी मैं विजिट करके आया, वीके मौर्या नाम है सर का, वीके मौर्या, मैंने मतलब सर से कांटेक्ट भी किया था थोड़ा लाइव, लेकिन वो गवर्नमेंट के होने के कारण सर डायरेक्टली यहाँ पे लाइव नहीं आ सकते, लेकिन वो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2009822310 ये फार्मेसी बी फार्मेसी का को एजुकेशन है, 1996 मतलब 24 साल पुराना ये कॉलेज, 25 साल सॉरी 20 हो रहा है ना अभी, है ना, और 60 इनटेक कैपेसिटी, बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज है, फीस कम है, सभी चीज़ें हैं, ये रेलवे स्टेशन से बहुत नजदीक कॉलेज है, और मेन मतलब सर ये है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब रेलवे से अगर कुछ बच्चा जैसे जालना का हो या कोई बच्चा ऐसे अड़ोस पड़ोस के लेते हैं तो बहुत कम पैसे में ये कॉलेज में एडमिशन लेके ट्रैवलिंग जो घर से कॉलेज कर सकता है, बिल्कुल सर। उसके बाद 2029 के साथ है स्कूल ऑफ फार्मेसी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़, मतलब यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मैंने विजिट किया सर, और बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, मैं खुद जाके यहाँ पे मतलब विजिट करके आया हूँ। 2029822310 फार्मेसी कॉलेज बच्चों, इसका चॉइस कोड था 2011 में ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और इसके इंटेक कैपेसिटी 60 है। और 2130 के साथ ये भी नया कॉलेज है, तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानाबाद, तो ये उस्मानाबाद जो है बच्चों ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है लोनारे, इसके आप एक बताना चाहते हो बच्चों, जितने भी टेक्निकल कोर्सेस है उसके लिए न्यू यूनिवर्सिटी निकल गई, पता है ना आपको, डॉक्टर बाटू जो भी रायगढ़ में है, लोनारे जो है ये जो यूनिवर्सिटी है स्पेशल टेक्निकल, मतलब जितने भी टेक्निकल कोर्सेस है वो सभी के सभी कोर्सेस उस यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले, मतलब पहले कैसे रहता था, जैसे मैं औरंगाबाद में हूँ तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, पुणे वाला सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, जैसे कि अमरावती में संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी रहती थी, अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होने वाला है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेस है जितने भी पूरे महाराष्ट्र के उसके लिए एक ही यूनिवर्सिटी होगी, और वो यूनिवर्सिटी ये है बच्चों, ठीक है, डॉक्टर बाटू, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोनारे, ये जो है ये यूनिवर्सिटी रहेगी, तो इसलिए पीछे ये अप्रूवल हो गई, ये हो गया, ये ऐसा दिया है यहाँ पे,
तो इसके बाद है 2147 इस कोड नंबर के साथ महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी निलंगा। अच्छा निलंगा मतलब ये भी मेरे ख्याल लातूर उस्मानाबाद साइड का एक कॉलेज है। ये भी कॉलेज पुराना है बच्चों, बहुत पुराना, मेरा बर्थ हुआ था इस ईयर में सर। ठीक है, तो 2147 82 310 फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट है बच्चों, को एजुकेशन है। यहाँ पे 1984 ये पुराना कॉलेज है, 60 की इंटेक कैपेसिटी है। इसके बाद है 2148 इस कोड नंबर के साथ मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट YB चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद। यह औरंगाबाद का कॉलेज है, मैंने विजिट किया, ये भी कॉलेज अच्छा है बच्चों, पुराना कॉलेज है। इसका चॉइस कोड है 2148823 फार्मेसी कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट को एजुकेशन है। यहाँ पे 1989 मतलब नियर अबाउटली इसको भी 22 साल हो गए बच्चों, 800 की इंटेक कैपेसिटी है, अच्छा कॉलेज है यह औरंगाबाद का कॉलेज है। इसके साथ 2149 इस कोड नंबर के साथ श्रद्धा भवन एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़ फार्मेसी कॉलेज नांदेड़, नांदेड़ का कॉलेज है ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास्ट जो CM थे अशोक राव जी, अशोक राव ये उनका कॉलेज है यशवंत कॉलेज। अच्छा, उसके बाजू में ही कॉलेज है सर, पुराना कॉलेज है। हाँ, पुराना है सबसे, मैंने 25 साल पुराना कॉलेज है और इस कॉलेज को मैंने विजिट किया, बहुत ही अच्छा कॉलेज है और यशवंत कॉलेज के नजीक ही है, मतलब यशवंत कॉलेज इज वेरी फेमस कॉलेज इन यूनिवर्सिटी SRT में। ठीक है, तो इसका चॉइस कोड है बच्चों 2149823 फार्मेसी मॉर्निंग शिफ्ट को एजुकेशन है, उसके लिए आपको इंटेक कैपेसिटी 40 की है। सबसे मेन बच्चों आपके सवाल के आंसर देंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोगों को ये कंप्लीट करने दो। आपको लगता होगा कि सर हमारा जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं देने का रीजन अलग है। ठीक है, उसके साथ 2151 आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल KT पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी उस्मानाबाद, ये भी पुराना कॉलेज है बच्चों, 2115182310 फार्मेसी कॉलेज है, 1999 में कॉलेज था, मतलब इस्टेब्लिश हो चुका है और इसकी इंटेक कैपेसिटी जो है वो है 100 की। इसके बाद 2152 शिवलिंगेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मेसी अलमाला डिस्ट्रिक्ट लातूर, ये कॉलेज का चॉइस कोड है 2152822310 को एजुकेशन 2004, ये न्यू कॉलेज है, मतलब बहुत न्यू नहीं है लेकिन 14 साल पुराना ये कॉलेज, 60 इंटेक कैपेसिटी इसकी। इसके बाद है 2153 यस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, अच्छा कॉलेज है ये भी, यहाँ पे आप लोगों को 16 साल पुराना ये कॉलेज है, इसका चॉइस कोड है 1253822310, ये कॉलेज का चॉइस कोड है और 2004 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था और इंटेक कैपेसिटी 60 बच्चों। इसके बाद 2154 इस कोड नंबर के साथ श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडल डॉक्टर वेद प्रकाश पाटिल फार्मेसी कॉलेज गेवराई औरंगाबाद का है। औरंगाबाद के साइड में ही आता है, बहुत दूर नहीं है, इसकी 100 की इंटेक कैपेसिटी और 2006 का ये कॉलेज है। इसके बाद 2156 के साथ दयानंद एजुकेशन सोसाइटी दयानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी लातूर का है। सर ये कॉलेज भी बहुत फेमस है, हाँ, क्योंकि ये दयानंद एजुकेशन सोसाइटी जो है इस कॉलेज में मैंने विजिट की है और एक हमारे सर के एक दोस्त ही वहाँ पे प्रिंसिपल, इसलिए मुझे पता है। और इसके अलावा जैसे कि वहाँ पे और एक जो राजेश शाहू कॉलेज दयानंद कॉलेज, ये दोनों कॉलेज लातूर में बहुत फेमस है। ठीक है ना, हाँ। तो ये कॉलेज भी अच्छा है, इसकी भी इंटेक कैपेसिटी 60 है और 2009 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके बाद 2157 के साथ सहयोग सेवाभावी संस्था इंदिरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी नांदेड़, तो इसकी जो इंटेक कैपेसिटी 60 है, 2009 का कॉलेज है। सहयोग क्या है, सेवाभावी, सहयोग सेवाभावी, ओके ओके, अच्छा कॉलेज है ये भी। इसके बाद 2251 के साथ श्री बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडल बी फार्मेसी कॉलेज अंबेजोगाई, तो इसमें इंटेक कैपेसिटी बच्चों 60, 2010 में ये कॉलेज निकला था और इसका चॉइस कोड 2253822310, ये इसका चॉइस कोड मिलेगा आपको। इसके बाद 2253 के साथ चन्ना भास्वेश्वर फार्मेसी कॉलेज डिग्री लातूर, तो इस कॉलेज का चॉइस कोड है यहाँ पे बच्चों 2253822310, 2010 का कॉलेज है, 100 की इंटेक कैपेसिटी उसकी। उसके बाद 2254 विलासराव देशमुख फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लातूर, तो इसकी चॉइस कोड है बच्चों 2254823110 फार्मेसी कॉलेज है, को एजुकेशन 2010 और ये 60, आपको पता होना चाहिए कि विलासराव देशमुख हमारे CM थे पुराने, तो ये इनका खुद का एक कॉलेज है बच्चों।
और इसके बाद है 2514 ऑयस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, शायद ये हमारे पड़े गाँव का कॉलेज है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ऑयस्टर कॉलेज। हाँ, यानी रोड रोड से नज़दीक है। हाँ, बाबा पे पेट्रोल पंप से अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है ऑयस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। इनटेक कैपेसिटी 2100 है बच्चों इसकी। इसके बाद 2541 सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कुर्ताड़ी हिंगोली, कुर्ताड़ी कुर्ताड़ी। ये जो है कलमनरी तालुका आता है बच्चों, वारंगा जो नांदेड़ रोड है, नांदेड़ रोड पे ये कॉलेज है। मैंने देखा है इस कॉलेज को, ये न्यू कॉलेज है। इसकी कैपेसिटी बच्चों 100 है। जो बच्चे हिंगोली है, हिंगोली की, वहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं, बाहर की भी ले सकते हैं ऐसे, लेकिन हिंगोली वाले को ईजी वे हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पास में वारंगा, अखड़ा बालापुर बोल के कलमनरी है, उसके आसपास में ये कॉलेज आ जाता है। इसके बाद 2543 इस कोड नंबर के साथ आदित्य फार्मेसी कॉलेज बीड़। तो ये कॉलेज 2014 का 100 इंटेक कैपेसिटी, उसका चॉइस कोड बच्चों 2454382310। ये कॉलेज आपको मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी 100, 2014 का एक कॉलेज है। 2547 इस कोड नंबर के साथ लेट भागीरथी यशवंतराव पाथरीकर कॉलेज ऑफ डी फार्मेसी पाथरी। तो ये आपको पाथरी का कॉलेज है। ये कॉलेज बच्चों 100 इंटेक कैपेसिटी है और 2018 में ये कॉलेज ओपन हुआ था। ऊपर गया तो 2548 स्वर्गीय लीलावती सतीश अवार्ड डी फार्मेसी कॉलेज मॉनिटरी खराब कहे खांडगांव। हाँ, खांडगांव। इस कॉलेज बच्चों 2018 का 60 की इंटेक कैपेसिटी, उसका चॉइस कोड आपके सामने दिया है 2584882310। इसके बाद परभनी का कॉलेज है 2550 प्रेरणा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी डी फार्मेसी परभनी। तो इसमें बच्चों आप लोगों को इंटेक कैपेसिटी 60 है, 2018 का कॉलेज है। चॉइस कोड आप लोग को पढ़ना है, हम लोग शॉर्ट में करेंगे क्योंकि सर मुझे लगता है कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो कम से कम दो नहीं, अभी इसमें आप देखेंगे क्या है, चॉइस कोड में ये 2310 सब में कॉमन है। हाँ, और पहले जो चार नंबर जो है यही आपको याद रखना है चॉइस कोड में, क्या रखना है वो जो पहले है, हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट जैसे कि लातूर कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, अब इसमें टू फाइव थ्री ये कोड नंबर है, 82310 सब में कॉमन है। तो 2553 के साथ लातूर कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुरुनाथपा भावगे नॉलेज सिटी। ये 100 की इंटेक कैपेसिटी, 2015 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। अभी 2554 के साथ मौली कॉलेज ऑफ फार्मेसी बी फार्म टोंडर उदगीर, कैंपस बड़ा है, बी फार्म भी इसमें शायद। हाँ, तो ये 2015 और 100 की इंटेक कैपेसिटी इसकी। इसके बाद 2555 आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल बीड। तो ये कॉलेज में भी 100 कैपेसिटी है, न्यू कॉलेज है, 2019 का है। आपको एक बात ध्यान में रखना, ये कॉलेज का कोड वही आता है देखो। हाँ, और यहाँ पे 82310 ये नंबर लग रहा है, कॉमन है, कॉमन है। यानी कि कोड नंबर जो है, चॉइस कोड ये 2556, ये पहले चार नंबर जरूरी। तो राजश्री साहू कॉलेज ऑफ फार्मेसी मेहकर, मेहकर में। हाँ, क्या मारखेल में कॉलेज है बच्चों। ये न्यू कॉलेज है इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, आपको समझ में आता होगा। तो इसमें बच्चों 60 की इंटेक कैपेसिटी है, 2019 का ये कॉलेज है। और उसके बाद है 2559 केंदार कॉलेज ऑफ फार्मेसी केंदार। तो ये कॉलेज में बच्चों 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2018 का ये कॉलेज है। उसके बाद 2560 आनंद चैरिटेबल संस्था कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च आस्ती। आष्टी, आष्टी मेरे ख्याल से परभनी और बेड़ी डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है। मैंने विजिट की थी इस सिटी को, तब मैंने विजिट की थी तब ये कॉलेज नहीं था, लेकिन 2016 में। तो 100 इंटेक कैपेसिटी बच्चों इसकी। इसके बाद 2561 राजेश भैया टोपे कॉलेज ऑफ बी फार्मेसी निपानी औरंगाबाद। ये भी कॉलेज अच्छा है, हमारी एक स्टूडेंट थी सर वहाँ पे। अच्छा, बोल के। तो 60 इंटेक कैपेसिटी, 2016 का ये कॉलेज है, ये भी कॉलेज अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद 2563 श्री साई जीवन विकास प्रतिष्ठान आरपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी उस्मानाबाद, उसकी इंटेक कैपेसिटी 100 है, 2016 का ये भी कॉलेज आपको मिलेगा। उसके बाद हिंगोली का एक कॉलेज है 2564 श्री धनेश्वरी मानव विकास मंडल एसवीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिंगोली।
ये हमारा गांव का है सो की इनटेक कैपेसिटी 2016 का ये कॉलेज है। उसके बाद 2567 यशोदीप इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पिंपल गांव पंधरी औरंगाबाद। तो ये कॉलेज की भी 100 इंटेक कैपेसिटी 2018 का ये कॉलेज मिलेगा आपको। उसके बाद 2572 श्रीयश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च औरंगाबाद। ये औरंगाबाद में ही कॉलेज है, 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था, 100 की इसकी इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद परभनी से कॉलेज है 2574 दुर्गा माता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी धर्मपुरी परभनी। ये कॉलेज में इनटेक कैपेसिटी 100 है बच्चों, 2017 का ये भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2575 गुरु कृपा सेवाभावी संस्था गुरु कृपा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी माजलगांव बीड। ये एक तालुका लेवल का गांव है माजलगांव, मतलब इसमें इनटेक कैपेसिटी बच्चों इस कॉलेज के 100 2017 का ये कॉलेज आपको मिलेगा। और ये बदनापुर 2576 VSS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बदनापुर। ये बिल्कुल रोड पे कॉलेज है बिल्कुल रोड पे कॉलेज मिलेगा, एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने ही कॉलेज है, 2020 में ही एस्टेब्लिश हो चुका है। जलना औरंगाबाद रोड पे है। 2577 दयानंद एजुकेशन सोसाइटीज दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी लातूर का एक कॉलेज है। तो ये जो है दयानंद एजुकेशन सोसाइटी उसका ही है, ब्रांच अलग है उनकी, 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2018 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद 2578 गोदावरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कोलपा। ये 60 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का कॉलेज है और एक चॉइस कोड तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे ध्यान में रखना है, 2578-82310। इसके बाद 2579 DK पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी लोहा नांदेड़। लोहा ये तालुका है सर वहाँ पे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में। सो की इंटेक कैपेसिटी 2019 का कॉलेज, मतलब 19 का कॉलेज है इस्टेब्लिश, और इसका चॉइस कोड जो है वही लगाना है, 2579-82310 ये चॉइस कोड है इसका। इसके बाद 2580 श्री रामकृष्ण परमहंसा कॉलेज ऑफ फार्मेसी हंसनापुर परभनी। तो ये कॉलेज की इंटेक कैपेसिटी 60 2019 का कॉलेज है, ये चॉइस कोड इसकी दी वाली 2580-82310। उसके बाद 2581 राधिया चैरिटेबल ट्रस्ट दिनेश बेंबड़े कॉलेज ऑफ फार्मेसी महालंगड़ा का चाकुर का हमारे एक मंत्री थे ना उनका कॉलेज, मतलब उनके यहाँ पे कॉलेज है वो, उनका एरिया होगा ये। तो 2019 में इस्टेब्लिश हुआ, 100 की इंटेक कैपेसिटी। सर मुझे क्या लगता है कि इतने कॉलेज पढ़ना ये पॉसिबल हमारे से नहीं हो रहा है, तो हम लोग ने क्या फटाफट ओनली एक बताएंगे कि कोड बताएंगे बस। अब क्या करेंगे, एक एक कॉलेज का नाम पढ़ते जाएंगे थोड़ा फास्ट में। ओनली क्या करो सर आप, स्वामी विवेकानंद बोलो, स्वामी विवेकानंद कॉलेज उद्गीर, इसका इंटेक कैपेसिटी 60 है, 2018 का कॉलेज है बच्चों ये। देन श्रीनाथ कॉलेज औरंगाबाद, इसकी इंटेक कैपेसिटी 100, 2018 का कॉलेज है। देन बलवंतराव चौहान कॉलेज नांदेड़, तो 60 इंटेक कैपेसिटी 2018 का ये कॉलेज है। उसके बाद श्री गोरक्षा कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, 100 की कैपेसिटी 2018 का ये कॉलेज है। देन नंदकुमार शिंदे कॉलेज फार्मेसी वैजापुर, वैजापुर औरंगाबाद में ही आता है बच्चों, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2018 का ये कॉलेज है। श्री साई कॉलेज वैजापुर, तो ये भी कॉलेज औरंगाबाद के तालुका लेवल का कॉलेज है बच्चों, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2018 का ये कॉलेज है। देन साई जीवन विकास प्रतिष्ठान का कॉलेज है जालना, ये जालना का कॉलेज है, 100 इंटेक कैपेसिटी 2018 का ये कॉलेज है। देन DJP कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसका नाम है बच्चों धरती जन सेवा प्रतिष्ठान, ठीक है, ये कॉलेज जालना में है, इसकी जो इंटेक कैपेसिटी 100 2018 का ये कॉलेज है। देन ज्ञान साधना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है बच्चों वहाँ पे और परभनी में, 60 की इंटेक कैपेसिटी 2018 का ये कॉलेज है। गजानन महाराज कॉलेज निपानी औरंगाबाद, इसकी 60 इंटेक कैपेसिटी है, 2018 का ये कॉलेज है। देन तात्याराव जी मोरे कॉलेज फार्मेसी उमेरगा, उमरगा में ये कॉलेज है बच्चों, 60 की इंटेक कैपेसिटी 2020 का, मतलब अभी अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बदनापुर का कॉलेज, बदनापुर का कॉलेज है, 100 की कैपेसिटी 2019 का ये कॉलेज है। देन उसके बाद है MDA स्कूल ऑफ फार्मेसी कोलपा, ये 60 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का ये कॉलेज है।
रावसाहेब पाटील धनवे कॉलेज ऑफ फार्मेसी बदनापुर, बदनापुर का कॉलेज है, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का ये कॉलेज बच्चों। किशोरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बीड, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का ये कॉलेज है। मंगलदीप इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, 60 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का कॉलेज है। साई इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च औरंगाबाद, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का ये कॉलेज है। शिव प्रसाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुखेड़, ये नांदेड़ में कॉलेज आता है बच्चों, तो इसका जो ये इंटेक कैपेसिटी है 60 है, 2020 मतलब अभी एस्टेब्लिश हो चुका है। हाँ, श्रीमती लताबाई बाबूराव पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये भी नांदेड़ के अंडर कॉलेज आता है, इंटेक कैपेसिटी 100 है, 2020 का ये कॉलेज न्यू कॉलेज है बच्चों। वाल्मीकि नाईक कॉलेज ऑफ फार्मेसी तेलवाड़ी कन्नड़, ये औरंगाबाद में आता है, कन्नड़ी है ना। हाँ, तो 60 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का एक कॉलेज है। और ये कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है सर, श्री अमोलक जैन आष्टी कॉलेज है, ठीक है, कड़ा आष्टी कोयडा मतलब ये बीड़ा और परभनी डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है, 60 इंटेक कैपेसिटी है, 2019 का ये कॉलेज है। देन श्री संभाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नांदेड़, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2020 का ये कॉलेज है। देन श्रमजीवी शिक्षण प्रसारक मंडल का कॉलेज है उमरगा, यहाँ पे 100 इंटेक कैपेसिटी 2019 का ये कॉलेज है। ये हथनूर का राजश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी कन्नड़, मतलब औरंगाबाद में आता है, 60 इंटेक कैपेसिटी 2020 का ये कॉलेज है। देन ये कॉलेज अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी रत्नागिरी, बहुत बढ़िया कॉलेज है बच्चों, 40 की इंटेक कैपेसिटी 2019 की एस्टेब्लिश हुआ चुका है ये। और इसके बाद KM कुंडनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, बच्चों ये सबसे 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 पुराना कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1971 का, मतलब सर कितने 50 साल नहीं हुए, उन 50 साल हो गए, 49 ईयर करीब करीब, अगर वो 71 फर्स्ट में निकला है तो 50 हो गए, इतना मतलब बच्चों पुराना। और KM ये कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है, इसी कॉलेज में बच्चों हमारे एक स्टूडेंट भी एक अभी फिलहाल में कर रहा है, और साथ में बच्चों MBBS को भी है KM कॉलेज, है ना। ये इसमें इंटेक कैपेसिटी 60 है, और जो कॉलेज है 1997 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हो चुका है। देन उसके बाद बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सांताक्रूज ईस्ट मुंबई, बच्चों इसमें दो शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट लेकिन चॉइस कोड अलग अलग है, कोई एजुकेशन है, 2020 में न्यू कॉलेज है 40, और 1970 भगवान ये तो बहुत ही पुराने कॉलेज है सर। इस कॉलेज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो 100 की इंटेक कैपेसिटी, 40 की एक बैच है और एक 60 की बैच है, अलग अलग बैच है। उसके बाद है CU शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी फॉर वुमेन्स, स्पेशली लड़कियों के लिए मुंबई कॉलेज है ये, 30 की इंटेक कैपेसिटी बच्चों 1980 में, मतलब पुराने पूरे मुंबई के कॉलेज पुराने कॉलेज। भारतीय जीवन का विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ फार्मेसी बेलापुर, आपको पता है कि पुणे में भी भारतीय विद्यापीठ है, सांगली में भी भारतीय विद्यापीठ है, उनका कॉलेज है, 60 की इंटेक कैपेसिटी 1993 में एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद सरस्वती विद्या भवन कॉलेज ऑफ फार्मेसी डोंबिवली, तो ये 100 की कैपेसिटी है बच्चों, इसकी इंटेक 1993 में ये कॉलेज आया था। मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मुंबई, 60 की इंटेक कैपेसिटी 1994 में ये एस्टेब्लिश हो चुका है। इसके बाद है डॉक्टर भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2004 में कॉलेज। बच्चों ये जो पुराने और नए कॉलेज, इससे आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होगी, इससे आप लोगों को एक नॉलेज आएगी, बाकी कुछ नहीं, ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद है NCERT स्टेरलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नवी मुंबई, 60 की इंटेक कैपेसिटी 2004 का कॉलेज है। ओरिएंटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी नवी मुंबई, 100 इंटेक कैपेसिटी 2004 का कॉलेज है। उसके बाद यादवराव तसगावकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी क्या है, चांदई भीवपुरी रोड स्टेशन कर्जत, तो ये जो है कॉलेज बच्चों, इसमें 60 की इंटेक कैपेसिटी 2005 का कॉलेज है। गोविंदराव निकम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 100 की कैपेसिटी 2005 का कॉलेज है ये। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी जोगेश्वरी मुंबई, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2006 का कॉलेज है ये। गहलोत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नई मुंबई, इंटेक कैपेसिटी 2006 का ये कॉलेज है। कोंकण ज्ञानपीठ राहुल दारकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायगढ़ में, इंटेक कैपेसिटी बच्चों इसकी 2006 का कॉलेज है। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी का कॉलेज है चेंबूर मुंबई, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2007 का ये कॉलेज है। आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल, ये भी अमरनाथ मुंबई का ही है, ये यहाँ पे 60 की इंटेक कैपेसिटी 2008 का कॉलेज है ये। प्रबोधन शिक्षण प्रसारक संस्था इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंटेक कैपेसिटी 60 है बच्चों, 2008 का ये कॉलेज है। और उसके बाद है एल्डेल एजुकेशन ट्रस्ट सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च पालघर का कॉलेज बच्चों, 100 की इंटेक कैपेसिटी 2008 का ये कॉलेज है।
और ये शाहपुर का कॉलेज है। इस कॉलेज में बच्चों 60 इंटेक कैपेसिटी 2008 का ये कॉलेज की एस्टेब्लिश किया गया है। ये ऋषिकेश शिक्षण प्रसारक मंडल का है, पनवेल। पनवेल मतलब मुंबई के साइड के कॉलेजेस। हाँ। बच्चों ये पूरे अभी जो लीड बता रहे ना, हाँ, पूरे मुंबई साइड के कॉलेज है ये। 100 की इंटेक कैपेसिटी 2009 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ। अंजुमन इस्लाम कॉलेज है पनवेल का, तो 100 की इंटेक कैपेसिटी 2011 का ये कॉलेज है। न्यू विरार का विवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मासिस्ट 60 इंटेक कैपेसिटी 2013 का कॉलेज है। विरार नाला सोपारा इस साइड में ये कॉलेज आता है। विरार मतलब लास्ट का रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है ना, आपके जो लोकल चलते हैं। यशवंतराव भोनसाड़े कॉलेज ऑफ फार्मेसी सावंतवाड़ी, सावंतवाड़ी मतलब पुणे का कॉलेज होगा ये, आई थिंक नहीं मुंबई का ये है ना, सॉरी। तो 100 इंटेक कैपेसिटी 2015 का एक कॉलेज है। सेंट विल्फ्रेड्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पनवेल 100 की इंटेक कैपेसिटी 2016 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुका है। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पोस्ट टोंडवाड़ी, तो 60 की इंटेक कैपेसिटी 2017 का ये कॉलेज है। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वाडा 100 की इंटेक कैपेसिटी 2016 का कॉलेज है। वीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैडखोल सावंतवाड़ी, तो ये भी 100 की इंटेक कैपेसिटी 2017 का। अभी मुंबई के ही कॉलेज चले, मुंबई साइड, मुंबई पनवेल रायगढ़ वो जो साइड है ना बच्चों, वो जैसे कि मुंबई में अलग अलग एरिया आते होंगे, सभी एरिया के ही कॉलेज है, आप लोग देख सकते हो। ये सांगुलवाड़ी, सांगुलवाड़ी का कॉलेज है ये, श्री अंगर सिद्धा शिक्षण प्रसारक मंडल 100 की इंटेक कैपेसिटी 2018 का ही कॉलेज है। एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी देवघर, तो ये 60 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का कॉलेज है। शिरवल का कॉलेज है विजय राव नाइक कॉलेज ऑफ फार्मेसी 100 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का एक कॉलेज है। नांदगांव का कॉलेज है सिद्धि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी 100 की इंटेक कैपेसिटी है 2020 का एक कॉलेज है। देन रायगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोपड़ी 100 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का एक कॉलेज है। देन श्री पंडित बाबूराव चांगुड़े कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो ये 60 की इंटेक कैपेसिटी 2019 का कॉलेज है। ये कल्याण का है इंदालाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी 60 की इंटेक कैपेसिटी 2020 का कॉलेज है। लोकमान्य टिड़क इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नवी मुंबई 60 की इंटेक कैपेसिटी 2020 का ये कॉलेज है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ये नागपुर का है, नागपुर, अभी नागपुर डिवीजन चालू हो रहा है। नागपुर में आपको पता होना चाहिए कि वर्धा आता है, नागपुर आता है, उसके बाद में और कोई आपका चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, उस साइड के कॉलेजेस आएंगे बच्चों। अभी 30 की इंटेक कैपेसिटी है 2056 में, ये तो सबसे पुराना, ये सबसे इतना पुराना कॉलेज है बच्चों, 70 इयर्स 72। सोच सकते हैं कि इतना मतलब बहुत ही पुराना, 70 साल से भी ज्यादा हो गए सर, 74-75 की नियर अबाउटली ये साल पुराना कॉलेज है। मतलब मेरे दादा होंगे सर पढ़ने के लिए इस कॉलेज में, मेरे पिताजी के जन्म के पहले का भी है। सोच लो ये बहुत पुराना कॉलेज है। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बोरगांव वर्धा, तो ये 60 की इंटेक कैपेसिटी बच्चों 1991 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है। ये भी वर्धा का है, जय महाकाली। तो ये 60 इंटेक कैपेसिटी 2001 का कॉलेज है। यस पाटिल शिक्षण संस्था कैंपरी, यहाँ पे 100 की इंटेक कैपेसिटी 1997 का एक कॉलेज है। कामटी यानी मुंबई का है। गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी ऑफ मनोहर भाई पाटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गोंदिया 60 की इंटेक कैपेसिटी 2004 का एक कॉलेज है। गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर, ये 60 की इंटेक कैपेसिटी 2004 का कॉलेज है। बाजीराव करंजकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भंडारा, भंडारा है, अभी वो कंटिन्यू पढ़ रहे बच्चों हमारी भी आके काम नागपुर भंडारा चंद्रपुर। तो 60 की इंटेक कैपेसिटी 2004 का ये कॉलेज है। रवि भाऊ उद्देश्य शैक्षणिक संस्था सोनेरकर फार्मेसी मुंबई नागपुर का है। 60 की इंटेक कैपेसिटी 2006 का कॉलेज है। ये बूटीपुरी का कॉलेज है नागपुर में, अमर सेवा मंडल कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सर इसका कैंपस मैंने देखा है, बहुत बड़ा कैंपस है। अच्छा सर ने खुद ने विजिट किए इस कॉलेज में, जिसको एडमिशन लेना चाहते हैं तो सही में ये कॉलेज लेने के मतलब एक काबिल है बच्चों, और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बूटीपुरी यानी कि इट्स हार्ट ऑफ मुंबई, अपना नागपुर, सॉरी नागपुर, ओके। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है बच्चों, जाके एक बार विजिट करें इसको, बाद में आप लोग डिसाइड कर सकते हो। सिक्की की इंटेक कैपेसिटी 2006 का कॉलेज है। दादा साहेब बाल पांडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर 60 की इंटेक कैपेसिटी 2006 का ये कॉलेज है। देन लेट मेघराज ओझा स्मृति शिक्षण संस्था का कॉलेज है फार्मेसी नागपुर का, तो 60 की इंटेक कैपेसिटी 2008 का ये कॉलेज है।
देन तुलजा भवानी कॉलेज जो है ये मोरवा चंद्रपुर। तो इनटेक कैपेसिटी 100 है, 2009 का ये कॉलेज है। देन महिला विकास संस्था डॉक्टर आर जी भोयार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वर्धा। तो इनटेक कैपेसिटी 60 है बच्चों इसकी, 2009 का कॉलेज है। लोकमान्य टिड़क जनकल्याण शिक्षण संस्था का कॉलेज है नागपुर का। तो यहाँ पे बच्चों 60 की इंटेक कैपेसिटी, 1997 का ये कॉलेज है। श्री सदाशिवराव पाटिल शिक्षण संस्था अनुराग कॉलेज ऑफ फार्मेसी वर्ती भंडारा। ये 100 की इंटेक कैपेसिटी, 2017 का कॉलेज है। जय महाकाली शिक्षण संस्था ये है वर्धा का। तो इंटेक कैपेसिटी 100 है, 2019 का ये कॉलेज है। अभिनव बहुउद्देशीय सिद्धि विनायक कॉलेज ऑफ फार्मेसी वरोरा चंद्रपुर। चंद्रपुर का कॉलेज है, 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2019 का कॉलेज है, ये कॉलेज भी अच्छा ही है। कृष्णा सहयोगी तंत्रा शिक्षण संस्था छत्रपति शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी देवरी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2020 का कॉलेज है। स्वर्गीय मधुकर राव देशमुख एजुकेशन सोसाइटी श्री सदगुरु दत्त इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी भाजापुर। तो ये 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2020 का ये कॉलेज है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ब्रह्मपुरी का, हाँ ये 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2014 का कॉलेज। पी आर पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी वर्धा 60 है, 2018 का ये कॉलेज है। सेंट्रल कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर, तो इंटेक कैपेसिटी 60 है, 2018 का ये एस्टेब्लिश हो चुका है। न्यू मॉन्टफोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी आस्टी 100 की इंटेक कैपेसिटी, 2018 का ये कॉलेज है। नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिंगना 100 की इंटेक कैपेसिटी, 2019 का कॉलेज है। डॉक्टर अरुण मोडघरे कॉलेज ऑफ फार्मेसी पौनी, तो ये 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2019 का ये कॉलेज है। ये मौडा कॉलेज है, श्री साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंटेक कैपेसिटी 60, 2019 का ये कॉलेज है। गोंदिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी चोरलोट 60 की इंटेक कैपेसिटी, 2019 का कॉलेज है। NDMVP समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी नाशिक, अब नाशिक के कॉलेज शुरू हो गए। नाशिक के कॉलेज चालू हो गए बच्चों अभी। 60 की इंटेक कैपेसिटी, ये 1982 का कॉलेज है, पुराना ये भी कॉलेज है, पुराना अच्छा कॉलेज है, और इस कॉलेज में आप लोग दाखिला ले सकते हो। देन महात्मा गांधी विद्या मंदिर फार्मेसी पंचवटी नाशिक, पंचवटी का कॉलेज है 1993 में, ये भी पुराना कॉलेज है बच्चों, ये 100 की इंटेक कैपेसिटी है। बच्चों हमने पार्ट वन पार्ट टू बाकी है, क्योंकि क्या हुआ है इसमें 317 कॉलेज है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि एक घंटा कंटिन्यू हम लोग लाइव है, इतने देर से हम लोग आपको बता रहे, तो हम लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम हो रही, कंटिन्यू पढ़ना और बात करना, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन चालू है। इसलिए बच्चों हम आपके कुछ जवाब के आंसर नहीं दे पा रहे थे। 70% में BSc एग्री को कहाँ नंबर लगेगा, BSc एग्री के हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को जाके देखना पड़ेगा। हम लोग अभी फिलहाल में ओनली फार्मेसी मिले पुणे मध्य फार्मेसी कॉलेज दिखाओ, हाँ दिखाऊंगा बेटा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके कॉलेज अरेंज करने वाले। रही बात हमारे जो पंकज सर है, उनका एक खुद का सर का एक चैनल बच्चों, पंकज साइंस, पंकज साइंस सर, प्लीज सर यहाँ पे आप अपना टाइप करके अपना थोड़ा सा चैनल के बारे में बता सकते हैं। ओके, तो ताकि बच्चों को भी पता होगा, किसी के भाई भी होते हैं ना बहुत सारे, तो यहाँ पे आपने जो भी ये होगा तो बच्चों को पता लगेगा, प्लीज टाइप करो सर यहाँ पे। ओके, तो ये सर का चैनल अभी यहाँ पे ओपन हो गया। देखो ये पंकज सर का ये चैनल है, पंकज साइंस वर्ल्ड, ठीक है। ये यहाँ पे 181 वीडियो सर ने अभी तक अपलोड कर चुके हैं, 10 साइंस के, 9 साइंस के, 7 साइंस के हर वीडियोस होते हैं सर, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, मैंने भी देखे सर के वीडियो। सर यहाँ पे आपके अगर किसी के भाई है नाइन्थ का हम सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, और नाइन्थ का जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद टेंथ और एट का शुरू होगा। तो यहाँ पे पंकज साइंस वर्ल्ड इस चैनल को प्लीज जाके विजिट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों देखो सर आपको हेल्प कर रहे ना, आपका काम होता है सर को हेल्प करना थोड़ा, क्योंकि खुद सर खुद आ गए, मैंने इन्वाइट नहीं किया था सर को, सर ने बोला चलो सर हम महाराष्ट्र के बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं आपके चैनल पर, मैंने बोला सर आप बताओ, तो उन्होंने पूछा कि सर आपने कौन से वीडियो कम बनाए, मैंने बोला फार्मेसी की वीडियो नहीं मैंने बनाए, तो सर ने बोला कि सर मैं आपको नहीं किया, फार्मेसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम मेरा और बच्चों को समझा के देना ये मेरा काम रहेगा। तो इसलिए सर हमारे साथ आके सर ने इतने बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपको, तो इस चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब करना है। चलो कितने बच्चे करते मैं देख रहा हूँ अभी,
सर पंकज साइंस वर्ल्ड को चैनल को जाके प्लीज विजिट करो यार, सर को इतनी तो हेल्प कर सकते हैं आप लोग सर आपके लिए। चलो 85% पे गवर्नमेंट भी फार्मेसी नहीं, गवर्नमेंट फार्मेसी मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। 50% पे फार्मेसी कॉलेज बेटर का मुंबई में मिले बच्चों, देखो कॉलेज तो मिलने वाला, सबको कॉलेज मिल सकता है। 25 हमने क्या बोला आपको कि यहाँ पे मैं दोबारा ये फाइल ओपन कर रहा हूँ, इस चैनल पे विजिट करना बच्चों, पहले सबसे पहले विजिट करनी है। सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे जाके विजिट करें। देखो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी, 25,000 सीट है सर, 25,000 तो कॉलेज तो बहुत सारे बच्चों को मिलने वाले, क्योंकि आपको पता है एग्री फार्मेसी और इंजीनियरिंग तीनों मिला के बहुत कम स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी, याद है बच्चों आप लोगों को। तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कितने बच्चे ने एग्जाम दिए सर, मैं आपको एक बार एक डेटा। अब इसमें डिवाइडेशन भी होगा सर, कुछ फार्मेसी को जाएगा, कुछ एग्री में जाएंगे, कुछ एमबीबीएस में। देखो सर यहाँ पे 71% में बच्चे प्रेजेंट है, टोटल बच्चे ने इतने 5,42,000 बच्चे ने एग्जाम दिए, जो स्टूडेंट थे वो 300 ठीक है। इसमें देखो पीसीबी और पीसीएम की एक ट्रेंड है, इसमें क्या है 1,74,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दी, पीसीबी में 2,11,000 एग्जाम दी, 12,000 पकड़ेंगे ठीक है। तो एक समझ लेना ये पीसीएम वाले मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ जाएंगे सर, नहीं ये तो हमारे फार्मेसी की तरफ नहीं आएंगे, नहीं आते कभी कभी आते जिनका पीसीबी पीसीएम है, जो जनरल ग्रुप है ठीक है, मान लेते 1,00,000 बच्चे मिनिमम तो इधर आने वाले नहीं नहीं आएंगे मिनिमम टू मिनिमम। इसमें भी बच्चों एग्री में और फार्मेसी में जाने वाले स्टूडेंट है, मतलब बच्चों अगर सोचा जाए तो आप सभी को जितने भी स्टूडेंट है पीसीबी हो पीसीएम हो सभी चीजें हैं, इसमें आपको कॉलेज मिलने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए सबको कॉलेज मिलेगा। लेकिन आपको वो कॉलेज कैसा होगा क्या होगा वो आपके जाके देखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेवारी हो आपको विजिट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का आपका फ्यूचर, देयरफॉर बी अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट रहना सीखो। तो प्लीज यार दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो गेस्ट है आज उनका जो चैनल को प्लीज विजिट करें, अपने भाई बहन काका का लड़का काकी का लड़का नाना नानी चाचा चाची अड़ोसी पड़ोसी दोस्त का भाई बहन जो भी होंगे सभी को आप लोगों को इस चैनल के बारे में बताना है ताकि सभी बच्चों को इस चैनल का फायदा हो सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके बच्चों, क्योंकि सर बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर टीचर है। सर ने ऐसे प्लेलिस्ट भी बना के रखे, देख सकते हैं आप लोग रिफ्लेक्शन अप्लाइड, ये पूरे पूरे देखो यहाँ पे पूरे ऐसे प्लेलिस्ट है सर के पास, मतलब एकदम खतरनाक डेटा है, आप लोग जाके देख सकते हैं इसके बारे में। वीडियोज़ है होम पे जाके आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये सभी चीज़ आपको मिलने वाली। तो बच्चों सभी बच्चों ने इतना प्यार दिया, इतने विजिट किया है, इतना मोहब्बत की है हम लोगों से, हम लोग हमेशा आपके लिए ऐसे ही गेस्ट को होस्ट को लेके आएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। तो थैंक यू सर, आपने सभी बच्चों को इतना प्यार भरा, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इतना प्यार दिखाया है बच्चों के बारे में, तो सही में मुझे लगता है अभी के अभी 3 सब्सक्राइबर बढ़ गए सर, बच्चे सब्सक्राइब कर रहे चैनल। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अभी के अभी खटाक से जाके सर का चैनल को बूस्ट देना ठीक है। तो चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर यू।